सितारगंज में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों के गन्ने का मूल्य 480 रुपए सहकारी चीनी मिल का चालू करने अन्य की मांगों को लेकर उपजिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि बीमा फसल योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, इसलिए बीमा फसल योजना को बंद कराने की मांग की है और कहा है कि गन्ने का मूल्य 480 रुपए दर किया जाए, साथ ही स्वामीनाथ रिपोर्ट को लागू करने और सितारगंज चीनी मिल को चालू करने की भी मांग की है। मीटिंग किया है आज हमने, जो मीटिंग में एजेंडा तय किया है 26 तारीख को हम बड़ी मीटिंग करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। किसानों की समस्या सबसे बड़ी ये है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो इन्होंने 6000 रुपया साल का देना करा है किसानों को, बहुत को आधे से ज़्यादा किसानों को नहीं मिला है। हमारा इसमें सख्त एतराज है, कितनी बार हमने मामला उठा चुका है, अगर ना देंगे तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और 26 तारीख को हमारी पूरी तैयारी है। और दूसरी ये है हमारी जो गन्ना चीनी मिल है इसको तुरंत चलाया जाए, किसानों को पुरानी पेमेंट जो है पिछले साल की बकाया वो तुरंत दी जाए और बाकी जो है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू किया जाए। पंजाब और हरियाणा की प्रणाली पे ये जो है उसकी खरीद की जाए मंडी में। और दूसरा जो है ये हमारा जो फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना जबरी काटी जा रही है, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, जो उसकी शर्तें बहुत नेम तकड़ी हैं, इसलिए हमारा ये विरोध है। 26 तारीख को हम बहुत बड़ी मीटिंग जहां करेंगे और प्रशासन को हम इसीलिए आज करी है भी इनको जता रहे हैं ये जग जाएं, किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए, हम ये पूरी तगड़े होकर करेंगे नहीं तो फिर इनको हिला के छोड़ेंगे सरकार। किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो है यहाँ के समस्त किसानों को लाभ ही नहीं मिल रहा है। दूसरा अभी जो बरसात हुई है इसमें जो है यहाँ के शासन प्रशासन की पोल ऐसी खुली है कि बताने वाली बात ही नहीं है। जहाँ 200 मीटर एक नाली खुद जानी चाहिए उसकी जगह इन्होंने 7 किलोमीटर नाले खोद दिए हैं नेशनल हाईवे के दोनों किनारे पर। यदि कोई भी घटना होती, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें गाड़ी अक्सर फिसल के किनारे में गिरती है। जहाँ इतने बड़े बड़े नाले खोद दिए हैं तो यानी रोड से यदि किसी कारण बच भी गया एक्सीडेंट में तो नाले में गिरेगा। ऐसा अंधा प्रशासन पूरे इन भारत के अंदर नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम दो आज तहसीलदार को भी वार्निंग दे के आए हैं कि हम 26 तारीख को इस पर हम प्रदर्शन करेंगे। दूसरा ये हमारे यहाँ जो घटतौली हो रही है गन्ने की, जिसके लिए SDM साहब को हमने पहले लिख के दिया है, SDM साहब ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और यहाँ कुछ सेंटर हमारे गन्ने के जो गांव है, एक सेंटर मुखवारा जिससे मात्र 1 किलोमीटर दूर हमारा नकवा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, उसको वहाँ उसके साथ ना जोड़ कर उसको सितारगंज में जोड़ा है। वहाँ से उसके 2 किलोमीटर पड़ता है हमारा मैनंडी, उसको मुखवारा के साथ ना जोड़ कर उसको भी सितारगंज जोड़ा है। उसके साथ हमारा पड़ता है सरकड़ा चीनी मिल जो मात्र मुखवारा से 3 किलोमीटर है, उसको भी ना जोड़कर बड़े अंधे तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा है, उसको भी सितारगंज जोड़ा गया। इन सब बातों के लिए विरोध करने के लिए आज हम यहाँ हुए हैं कि हम लड़ेंगे।